मुंबई से आ रही है खबर से करेंगे। मुंबई में बिल्डिंग हादसे से हड़कंप मच गया। कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में सोमवार रात करीब 11:30 बजे एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी बताया जा रहा है कि उसमें 21 लोग थे। बिल्डिंग गिरते ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। चंद घंटे में 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड एनडीआरएफ की टीम भी आ गई और 6 लोगों को निकाल लिया गया। 5 लोगों ने भी के अभी भी फंसे होने की खबर आ रही है, जिनकी तलाश चल रही है। बताया जा रहा है कि इस इमारत समेत पास की 4 बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर बीएमसी ने इसे खाली करने का नोटिस भी दिया था। बावजूद इसके 21 मजदूर अंदर रह रहे थे। हादसे की खबर लगते ही मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि गिरी हुई बिल्डिंग के पास की बाकी 3 जर्जर इमारतों को डिमोलिश करने का काम शुरू किया जाएगा। हादसे में 10 लोग घायल हैं, जिन्हें सायन और राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। चश्मदीद के मुताबिक सभी लोग किराएदार हैं और इनमें ज्यादातर मजदूरी का काम करते हैं। तो मुंबई में मौत की इमारत, बाल बाल बचा एक मजदूर। एजाज खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एजाज, और क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। जी मल्लिका, देखिए रात 11:30 बजे करीब ये हादसा हुआ है, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत थी, जिसे बीएमसी ने हालांकि खतरनाक घोषित करते हुए लोगों को खाली करने के लिए कहा था। अधिकतर जो लोग हैं वो खाली कर चुके थे, लेकिन 2 कमरे में कुछ मजदूर हैं वो रहा करते थे उसमें। हालांकि जो मजदूर रह रहे हैं उन लोगों ने भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने जो मालिक है उनको कई दफा कहा था कि बिल्डिंग की जो हालत काफी खतरनाक है, तो हम लोगों को दूसरी जगह रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी जो मालिक थे वो इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर रहे थे और रात में तक करीब 11:30 बजे अचानक ये बिल्डिंग गिर गई। घटना के बाद से मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और रात में करीब 12 बजे एनडीआरएफ की टीम आई, तब से जो है लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक अब तक जो है 13 लोगों को अंदर से रेस्क्यू किया गया है और नजदीक के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।